किसी के घर में भी ब्लाइंड बच्चा पैदा हो गया, कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं कि उनको ले जाकर के रोड के किनारे पर छोड़ देते हैं। मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ और जब मेरा जन्म हुआ तभी मेरे माता पिता ने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। उस समय मैंने क्या दुख देखा है वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि इन छात्राओं के साथ ऐसा दुख हो। ये हमारे बच्चे के समान है तो इनका देखभाल करना हमारा फर्ज है। आप स्वयं देख सकते हैं कि ब्लाइंड के साथ कितनी मुसीबत है और ये कितनी मुसीबत से स्ट्रगल करके आगे आती है। अगर ये हॉस्टल नहीं होता, ये बच्चे कहाँ होते, रोड में पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। हम तो यही चाहते हैं कि ये हमारे पास हैं तो ये पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैं इनको एक माँ की तरह, एक बहन की तरह इनकी देखभाल करती हूँ, इनकी हर समस्या को सुनती हूँ और ये अपने जीवन में हमेशा खुश रहें ऐसा मेरा सोचना रहता है। हमारे यहाँ एक बेड पे दो या तीन लड़कियाँ रहती हैं, हमें अभी और जगह की आवश्यकता है। चार लोगों को खिलाना इतना मुश्किल है तो इन 75-80 लड़कियों को रख करके खिलाना कितना दिक्कत होता होगा ये आप स्वयं सोच सकते हैं। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि इस संस्था के लिए वो अधिक से अधिक मदद करें। आपके मदद से इनके जीवन में उतना ही अधिक फर्क पड़ेगा।